फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि। आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। चलिए निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। उससे पहले एनालिसिस स्टार्ट करें तो मैं आपको मेरा चैनल के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। ये मेरा चैनल है गोल्डन बुल्स, जहाँ पे हम डेली लाइव करते हैं और कुछ स्ट्रैटेजीज भी है जो बिगिनर्स के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाली है। और ये जो डेली का लाइव है, हमने अभी रिसेंटली लाइव शुरू किया है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम ये डेली लेवल्स प्रोवाइड करते हैं जो लाइव में भी होता है, और आपको ये टेलीग्राम जो चैनल है मेरा, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम कुछ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कॉल्स भी देते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लेकिन जो लिंक है वो अभी तक क्लिकेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो आपको QR कोड दिख रहा है ये कोने में, राइट हैंड कॉर्नर में, तो इसको आप मोबाइल से स्कैन करके मेरे चैनल से, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का एनालिसिस शुरू करते हैं निफ्टी का। तो अगर देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस, अगर डेली कैंडल्स में अगर देखेंगे, तो यहाँ से जो एक बुल रन शुरू हुआ है, मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे दो दिन का पॉज कैंडल बनाया है, उसके बाद में ये अच्छा वाला क्लोजिंग डेली में अगर देखेंगे तो दिया है। तो हम पहले वीकली और मंथली का एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए वीकली में पहले देख लेते हैं। वीकली में अगर देखेंगे, मैंने मंथली में भी और वीकली में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न्स जो है फाइंड आउट किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो पैटर्न था, इसका कहीं ना कहीं मार्केट ने गैप अप करके इस पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया है। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो है एकदम बहुत ही अच्छा, इसे हम बुलिश कैंडल क्लोजिंग मानेंगे जो वीकली में हमें मिला है। तो जो सब लोग राह देख रहे हैं कि मार्केट अब गिरेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट शायद ही गिरे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बुल रन की शुरुआत मुझे लग रही है, जो कि जाने वाली है कम से कम 22,600 से लेके 22,700 के लेवल तक। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ एक बार कि मैं ऐसा क्यों क्या देख रहा हूँ मैं ऐसे चार्ट पे, क्योंकि ये वाला मुझे जो है चार्ट ने ही दिखाया है कि ऐसा हो सकता है। तो देखिए, अब बात करते हैं जो कोविड का फॉल हुआ था, ये वाला जब लास्ट टाइम मार्केट ने ये वाला हाई बनाया था लगभग 12,430 का जो हाई था, उसके बाद में ये जो क्रैश आया था, ये वीकली का चार्ट है, वो जो 1920 में जो फॉल आया था उसका जो ये वाला जो हाई था मार्केट का, तो ये वाला हाई मार्केट ने जो है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ एक बार, ये वाला हाई जो है अगर नोटिस करेंगे आप, जूम कर लेता हूँ थोड़ा, इसको मार्केट ने गैप अप के साथ कैंडल क्लोजिंग करने के बाद में ये वाला जो है बुल रन हमें देखने मिला था लगभग 6,000 पॉइंट का मार्केट में, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे भी हमें अगर देखने को मिल रहा है तो एक गैप अप ही देखने को मिल रहा है, और ये वीकली का कैंडल क्लोजिंग हमें बुलिश कैंडल एकदम देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बुल रन शुरू हो सकता है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अगर आप देखेंगे, ये यहाँ पे एक पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है, ये वाला जो था ये कहीं ना कहीं एक मुझे फ्लैग नज़र आ रहा था, ये वाला, ठीक है। और इसका ये पोल अगर हम मार्क करेंगे इस ब्रेकआउट से लेके, ये प्रीवियसली जो ऑल टाइम हाई था उसके ब्रेकआउट से लेके इस पोल तक अगर हम इसको मार्क करेंगे, तो इसका जो है यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम अपसाइड प्रोजेक्ट करें, तो कहीं ना कहीं ये वाले टारगेट हमें देखने को मिल रहे हैं 22,900 से लेके 800 तक का। तो एक बार इसे हम मार्क कर लेते हैं, ये वाला टारगेट अगर इस पोल एंड फ्लैग का अगर पकड़ेंगे, तो ये वाला टारगेट निकल के सामने आ रहा है। अभी इसी को अगर हम, ये हिस्ट्री रिपीट करता है मार्केट, जो है ना कहावत है मार्केट हिस्ट्री विल बी रिपीटेड, तो ये बुलिश कैंडल्स के साथ में, गैप अप के साथ में जो क्लोजिंग मिला था पिछला वाला ऑल टाइम हाई,
तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमें बुलिश क्लोजिंग मिल रहा है गैप अप के साथ। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एक हमें बुल रन देखने मिल सकता है, क्योंकि अभी इलेक्शन टाइम भी है। तो जो अभी इलेक्शंस हुए हैं तो उसमें जो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिला है मोदी जी का, तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये रैली आ सकती है मार्केट में। तो ये तो हो गया पहले एए वाला पैटर्न। अभी मंथली में मैं आपको अगर दिखाऊं तो कहीं ना कहीं इस पैटर्न को वैलिड कर लेता है ये इस पैटर्न को। तो मंथली में भी अगर देखेंगे तो हमें ये पोल एंड फ्लैग जो पैटर्न मिल रहा है, तो इसका ब्रेकआउट जब हुआ है तो उसका अपसाइड का टारगेट हम यहाँ तक के लिए प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पे अगर देखेंगे ये मंथली कैंडल है, ये कम से कम 4 महीने से यहाँ पे कंसोलिडेशन मार्केट कर रहा था। तो इस कंसोलिडेशन का भी कहीं ना कहीं ये वाला ब्रेकआउट जो है अच्छी खासी कैंडल के साथ में हुआ है। तो हो सकता है कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा बुल रन देखने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो हम इसे पॉजिटिव ही मानेंगे। और वीकली में अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे, सॉरी वीकली में नहीं है वो, ये एक पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है जो मैंने दूसरा पैटर्न, ये हो गई दूसरी बात। और एक तीसरी बात जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है, एक और पैटर्न है मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसे हम कप एंड हैंडल का पैटर्न बोलते हैं। ये वाला कप और ये हो गया इसका हैंडल। अगर इस पैटर्न को भी हम कंसिडर करेंगे और इसका अगर अपसाइड प्रोजेक्शन करेंगे, तो इस पैटर्न का भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पैटर्न ब्रेकआउट होके उसका रिटेस्ट करने के बाद मार्केट अपर साइड निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इसको भी हम अगर प्रोजेक्ट करेंगे, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ इस पैटर्न का भी प्रोजेक्शन। इसका जो डिप पॉइंट होता है वहाँ से लेके उसका कप का जो अपर साइड होता है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है वहाँ तक का अगर हम ये वाला प्रोजेक्ट करेंगे, तो उसका भी कहीं ना कहीं एग्जैक्टली जो है इसका भी टारगेट अपर साइड के लिए वही निकल के आ रहा है। ये तो ये तीन चीज़ें जो है मुझे कहीं ना कहीं मार्केट को पॉजिटिव सेंटिमेंट मुझे लग रहा है कि मार्केट में आने वाला है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न, दो पैटर्न हमें कंफर्मेशन मिला है, एक तो ये पोल एंड फ्लैग और ये कप एंड हैंडल जो है। तो पोल एंड फ्लैग का जो है मार्केट ने यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट देके यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर बुल रन दिखाया है, और ये अगर सेकंड वाला जो अगर कंफर्मेशन पकड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में कप एंड हैंडल बन के उसका ब्रेकआउट होने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट कम से कम 4 महीने कंसोलिडेशन करके फिर मार्केट अपर साइड निकलने की कोशिश कर रहा है। तो आने वाले दिनों में हमें ये वाले टारगेट 22,900 से लेके 22,800 के टारगेट्स कहीं ना कहीं हमें देखने मिल सकते हैं। तो ये हो गया मंथली और वीकली का एनालिसिस। तो अभी हम देखते हैं इंट्राडे में हमें कौन से टारगेट और कौन से लेवल्स हमें मंडे के लिए इम्पोर्टेंस होने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे, मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया है, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो डेली लेवल्स होते हैं मैंने मार्क करके रखे हैं, यहाँ पे मैंने हाइड करके रखा था उन्हें, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। और ये वाले जो मैंने लेवल्स मार्क किए हुए हैं, ये वाले अगर आप मेरे पिछले वीडियो में अगर जाके देखें, मैं एंड स्क्रीन में वो दोनों वीडियो डालने वाला हूँ, 30 दिसंबर का और एक सॉरी नवंबर का, और उसके पहले का शायद एक वीडियो है। तो मैं आपको दोनों वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। जब मार्केट यहाँ पे चल रहा था तो मैंने ये वाले जो अगले वाले लेवल्स है ये मैंने पहले ही मार्क करके रखे थे, और मार्केट ने जैसा मेरा व्यू था उसी तरीके से बिल्कुल लेवल टू लेवल मार्केट ने मुझे लेवल्स दिखाए हैं जो कि एक्यूरेट साबित हो चुके हैं अब तक। तो आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगले आपको लेवल्स अगर चाहिए, डेली के अपडेट्स भी, और हम लाइव भी करते हैं तो आपको लाइव में जुड़ के फ़ायदा ही होने वाला है। वहाँ पे हम लेवल्स भी प्रोवाइड करते हैं डेली।
तो अगर देखेंगे यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट है ये वाला। यहाँ पे हमने ये वाला जो लेवल मार्क किया है, ये वाला हमारे लिए लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला था। ये 21,000 कल मार्केट ने टच करके यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन लेके करेक्ट किया है मार्केट ने, तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का एक छोटा सा रैली पकड़ा था, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक कॉल साइड का रैली पकड़ा था, यहाँ पे पुट का रैली हमने पकड़ा था। ये वाला जो है हमने ये वाला रैली नहीं पकड़ा था, नहीं पकड़ पाए हम। और ये जो 2 दिन का 3 दिन का जो मार्केट का कंसोलिडेशन है, ये अगर कहीं ना कहीं मंडे को अगर ब्रेक होता है 21,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, तो हमारे लिए यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनेगी 21,105 तक के लिए। ये भी मैंने लेवल जो है ये कम से कम 1 तारीख के आसपास ही मैंने ये वाला अपसाइड का टारगेट मैंने प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो जो मैंने बोला है आपको एंड स्क्रीन में आपको वो दोनों वीडियो मिल जाएंगे, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं कि मैंने लेवल कैसे मार्क किए हैं और मेरा क्या व्यू था उस टाइम पे जब मार्केट नीचे के साइड जो लेवल था, मार्केट जब 20,200-300 के आसपास था, तो मेरा क्या व्यू था, और वो व्यू बिल्कुल सही निकला है। तो लेवल्स हमारे परफेक्ट आ चुके हैं आज तक, अभी तक। तो ये मार्केट हमारे लिए, अगर मार्केट गैप अप खुलता है और यहाँ पे अगर कुछ रिजेक्शन कैंडल 15 मिनट्स में हमें देखने को मिलती है, तो हम नीचे के साइड में नीचे के लिए लेवल जो रहेगा, तो 850 का जो लेवल है इम्पोर्टेंट, 850, 20,850 से लेके 860, ये वाला जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे की साइड में करेक्शन करना अगर शुरू कर देता है, तो ये वाला जो है ये बहुत ही एक पैनिक सेलिंग का लेवल होने वाला है। यहाँ से अगर मार्केट हमें क्लोजिंग देता है डेली में भी, अगर हमें 20,850 या 60 के नीचे अगर डेली से कैंडल कुछ क्लोज मिलती है, तो हम बेरिश साइड के लिए सोच सकते हैं। इंट्राडे में भी अगर कल मार्केट गैप डाउन भी अगर होता है और 20,850 के नीचे अगर ट्रेड करने लगता है, तो हम बेरिश साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। तो उस नीचे के साइड के टारगेट मैंने ड्रॉ करके रखे हैं, तो ये वाले जो नीचे के साइड के टारगेट है, तो आप वो लेवल्स डाउन साइड के लिए सोच सकते हैं कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो पहले अगर गैप डाउन होता है मार्केट और 20,850 के अगर नीचे ट्रेड करने लगता है, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 20,815 से लेके 10, सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 20,770, और थर्ड टारगेट हमारा रहेगा 20,730 का। ये नीचे के साइड के लिए हमारे इंट्राडे के लिए लेवल्स होने वाले हैं। अगर यहाँ से पैनिक सेलिंग आती है, तो हमें नीचे के साइड ये गैप फिलिंग भी देखने को मिल सकती है, अगर मार्केट बेरिश होता है तो। अगर मार्केट फ्लैट खुल के 21,000 के ऊपर अगर ट्रेड करने लगे, तो हमें अपर साइड के लिए हमारा ये वाला पहला टारगेट रहने वाला है। अगर हमें फ्लैट ओपनिंग मिलती है और मार्केट साइडवेज जाके यहाँ पे कंसोलिडेशन करके अगर अपर साइड में 21,000 के आसपास ही कहीं पे 900 के ऊपर और 21,000 के नीचे, 20,900 और 21,000 के बीच में अगर कहीं पे यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट देता है, तो हम अपर साइड के लिए जा सकते हैं। तो आने वाले दिनों में हमारे लिए ये वाले टारगेट्स और ये वाले लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, एनालिसिस आपको अगर अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए आप ये वाला QR कोड जो आपको राइट हैंड कॉर्नर में दिख रहा है, उसे आप मोबाइल से स्कैन करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आता है, वो अभी तक क्लिकेबल नहीं है। और हमसे लाइव जुड़ने के लिए भी आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे हम डेली लाइव आते हैं, तो वहाँ पे आपको डेली के लेवल्स इंट्राडे के लिए अपडेट होते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।